हम हैं यम। हम आप सबको ये संदेश देने आए हैं कि आप अपना जीवन सुरक्षित रखिए, गाड़ी सुरक्षित चलाइए, हेलमेट पहनिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। ऐसे में एक अनोखी पहल ब्रह्मा कुमारी और यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा शांति शक्ति सरोवर वैशाली सेवा केंद्र द्वारा की गई, जहां यमराज को सड़क पर उतारा गया। यमराज ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। जो लोग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए नजर आए तो यमराज ने उनको नियमों का पालन करने की चेतावनी देते हुए बताया कि आपकी एक लापरवाही पर सीधे मुझे लेने आना पड़ेगा। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी खुशबू ने कहा कि लोग बिना शराब पिए वाहन चलाए तथा मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट अवश्य लगाए, चार पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट जरूर पहने तथा वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इससे ही हादसों में कमी आने लगेगी। पहचान कर लिया ही होगा आपने मुझे। सिंपल मुकुट है राजा की जान, बाइक पर हेलमेट की पहचान, खुद की और दूसरों की जान का जिम्मेवार कौन? अगर इस्तेमाल किया गाड़ी चलाते समय मोबाइल से। हम हैं यम। हम आप सबको ये संदेश देने आए हैं कि आप अपना जीवन सुरक्षित रखिए, गाड़ी सुरक्षित चलाइए, हेलमेट पहनिए और लाइसेंस रखिए और रोड गाड़ी देखभाल के चलाइए, अपना सारे कागज कंप्लीट रखिए, ओवरटेक नहीं कीजिए। इसमें आप भी सुरक्षित हैं, आपका परिवार भी सुरक्षित है और दूसरा भी सुरक्षित है। हमारा संदेश यही है कि आज हमारा जीवन इतना व्यस्त है कि हमें भी अपना ओवर टाइम करना पड़ता है। हम अपने बीवी बच्चे का ख्याल भी नहीं रखते हैं और यही सब जनता को संदेश देने के लिए आए हैं कि आप गाड़ी सुरक्षित चलाइए, अपना जीवन भी सुरक्षित रखिए और दूसरे का जीवन भी सुरक्षित रखिए, तो हमें भी सुकून मिलेगा, हम भी सुकून से जीवन जी सकते हैं। यमराज के वेश में आए कैसे समझा रहे हैं लोगों को? यही जनता को संदेश दे रहे हैं कि गाड़ी सुरक्षित चलाइए, अपनी भी सुरक्षा रखिए और दूसरों की भी सुरक्षा रखिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए, वरना हमें भी इतना ओवर टाइम करना पड़ता है कि हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल सकते हैं, अपने भी फैमिली के लिए भी समय नहीं निकालते हैं, इतना बिजी रहते हैं, ओवर टाइम करना पड़ता है। ये ब्रह्मा कुमारी के संस्था की तरफ से निकाली गई है उनके ट्रांसपोर्ट प्रभाग के थ्रू, तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करें, रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। और उसमें ये भी बताया जाता है कि जैसे लोग मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग करते हैं, सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लोगों को पता भी है फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। उसके साथ साथ हमारे मन में अशांति रहती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, तब भी रोड एक्सीडेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का निवारण हम राजयोग मेडिटेशन से कर सकते हैं और उसको राजयोग मेडिटेशन करने से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है और तो हम उसको अच्छे से निभा सकते हैं।